आज हमारे साथ बौद्ध धर्म के जानकार सुधीर राज सिंह जी हैं और हम उनसे जानेंगे कि अशोक विजय दशमी क्या है। सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। देखिए, अशोक विजय दशमी का जो प्राचीन और पुराना नाम पाली प्राकृतिक के अंदर है, जो माना जाता है वो है अकलंग बोधनीय या अकलंग बोधने, अकलंग बोधने या अकलंक बोधनीय, ये इसका पुराना नाम है। अकलंग का मतलब है बीमारी या कमजोरी मन की या शरीर की, और बोधनीय का मतलब है कि बोधि तत्व से, यानी बुद्ध की जो एजुकेशन है उसके तत्व से उसको लाभान्वित करना या उसका फायदा उठा के उसको ठीक करना। तो इसका प्राचीन नाम अकलंग और बोधनी है, जो आज तक भी अकाल बोधन के नाम से फेमस है। हिंदी में इसको अकाल बोधन बोलते हैं। अगर आप कहीं दशहरा का नाम का पर्यायवाची ढूंढेंगे तो आपको एक पर्यायवाची के नाम में अकाल बोधन शब्द भी मिलेगा। तो अकाल बोधन, अकाल का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है, असमय नहीं है। अकाल का मतलब अकलंग से है, अकलंग का मतलब डिसीज से, बीमारी से, तन की और मन से है। बारिश का समय लगभग समाप्त हो गया पूरी तरह से। दो महीने जो अषाढ़ में जितने भिक्खु थे जो बसावास को जाते हैं, घर पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, काम बंद हो जाते हैं, उसको ढाई महीना बीत चुका है। और अश्विन का जो शुक्ल पक्ष है, यानी अश्विन का जो चंद्रमा आगे बढ़ने लगा है रोशनी की तरफ, उसको 10 दिन होने जा रहे हैं। इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि समय देखिए आप कैसा है कि पवारणा का समय आ रहा है। पवारणा का मतलब है कि भिक्खुओं की विदाई का समय आ रहा है। अब पवारणा उत्सव होने वाले हैं और भिक्खु अपने अपने शिक्षा देने के काम पे जाने वाले हैं। वो बिहार छोड़ेंगे, जब वो बिहार छोड़ेंगे तो वो तैयारी कर रहे हैं, और उधर जहाँ वो रहे हैं वो जो शिक्षक हैं और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, वो 10 पारमिताओं की अच्छी तरह से अभ्यास कर रही हैं, साधना कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं उपोषत के साथ। उपोषत मतलब सिर्फ 12 बजे तक का खाना खा के, और पूरा मौन व्रत है। तो 9 दिन तक वो बारी बारी से एक एक पारमिता को पूरी तरह से तैयार करते हैं, मजबूत करते हैं उसको, क्योंकि भिक्खु जाने वाले हैं और पढ़ाई का समय इस समय पूरी तरह से चरम पे है। और भिक्खुओं के लिए चीवर जो पिछले 2.5 महीने से लगातार बुन रहे हैं, उसकी भी स्पीड आ गई, बढ़ गई है, क्योंकि उसको तैयार करना है। कौन सा चीवर है? कोई साधारण चीवर नहीं है, हतिन चीवर है। हाथ से बनाया हुआ कपड़ा है, हाथ से बनाई हुई चादर है, जो सारे भिक्खुओं को दी जाएगी, हर घर में तैयार हो रही है। तो उत्सव का उल्लास का है, उल्लास किस लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो विपसना हम करते हैं, विपसना में 9 दिन तक अगर मौन रहते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपने मन को ठीक करते हैं, तो 10वें दिन स्वतः ही शरीर में से उल्लास फूटता है। तो उल्लास आने वाला है, उत्सव आने वाला है, विजय दशमी आने वाली है, 10 दिन पूरे होने वाले हैं, हतिन चीवर हमारा पूरे होने वाला है, भिक्खु आगे एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, और जो महिलाएँ हैं हमारी खासतौर से, जिनको हम देवी बोलते हैं। देवी कौन सी महिला होती है हमारी? जो पंचशील का पालन करती है। जो महिला पंचशील का पालन करती है वो देवी है, और जो पुरुष पंचशील का पालन करता है वो देवता है। और जो देवी या देवता, यानी महिला और पुरुष, अगर पंचशील का पालन नहीं करते तो वो मनुष्य हैं। ऐसा पाली के अंदर मनुष्य और देवता का डिफरेंस और फर्क बताया जाता है। जो पंचशील का पालन करेगा वो देवता या देवी, और जो पंचशील का पालन करेगा वो मनुष्य कहलाए जाते हैं। तो वहाँ घर में पंचशील का पालन जोर से चल रहा है, तो सारी देवियाँ यानी जितनी भी महिलाएं हैं वो सब देवी की शक्ल में अख्तियार होकर काम को आगे बढ़ा रही हैं, और बड़ा दुर्गम काम कर रही हैं। दुर्गम काम किस लिए है? क्योंकि एक एक मान्यता को बढ़ाना विपसना के थ्रू, विपसना करने में अपने आप में एक दुर्गम काम है। अपने मन को साधना, अपने शरीर को साफ करना, मन को साफ करना, शरीर को साफ करना दुनिया का सबसे दुर्गम काम है। हम आपको कहें कि आप ये घर साफ कीजिए, बड़ा आसान है। हम आपको कहें ये कपड़ा साफ की दीजिए, ये बड़ा आसान है। हम आपको कहें कि आप नहा लीजिए, शरीर साफ कीजिए, बड़ा आसान है। मगर मन कितनी गंदगियों से लिपटा हुआ है और कितना गंदगी से लिप्त है हमें नहीं पता चलता। स्वयं को पता चलता है कि वो साफ हो रहा है या नहीं है। बार बार भटकता है, बार बार जाता है, अच्छा खाना देख के भागेगा, कोई व्यभिचार देख के भागेगा, कोई शौक देख के भागेगा, कोई ऐसा काम जो करने के लिए मना किया उसे देख के भागेगा। तो उसको कंट्रोल करना और उसको शुद्ध करना सबसे दुर्गम काम है, और वो सारी देवियाँ जो पंचशील का पालन करती हैं वो कर रही हैं। तो ऐसे करके 10 दिन, 10वें दिन उल्लास और पूरा हर्ष का वातावरण जगह जगह होता है। बहुत बड़े शहर नहीं है आज की तरह, जैसे आज टोक्यो है, आज जैसे दिल्ली है, आज जैसे न्यूयॉर्क है, आज जैसे मुंबई है, ऐसे शहर नहीं है। छोटे छोटे शहर हैं या कस्बे हैं या छोटी छोटी जगह, और सब जगह ये उल्लास का वातावरण है। और सिर्फ नेपाल
और नेपाल की जो भारत का तराई वाला क्षेत्र है जिसको हम उड़ीसा बोलते हैं या जिसको हम बिहार आज की डेट में बोलते हैं या वेस्ट बंगाल बोलते हैं, उस जगह है भारत में पूरे में आज की डेट में मनाया जाता है, मगर वहाँ से आरंभ हुआ है, चला वहाँ से है, बना वहाँ से है पूरा। क्यों बना है? 10 पारमिताओं का बहुत ज़्यादा पालन करके आदमी अपनी पारमिताएँ मजबूत करता है, अपने जीने के नियमों को मजबूत करता है। पारमिता मतलब 10 कठोर नियम जिनसे बोधिसत्व या बुद्ध बन सकता है, उन नियमों को। तो इसका एक बोधि का पखवाड़ा बनाया हुआ है। बुद्ध पाली के अंदर आता है बोधि पाक्षिक, यानी बोधि का पखवाड़ा, 15 दिन 14 दिन का पूरा बोधि पखवाड़ा इसके लिए है, क्योंकि आगे के जो 5 दिन आने वाले हैं, जो अभी 10वीं है, फिर एकादशी आएगी और फिर 14 आएगी और फिर पूर्णमासी आएगी, यानी पूर्णमासी तक उल्लास होगा, मौन व्रत टूटेगा, लोग खुशियाँ मनाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, भिक्षुओं के लिए चीवर दान करेंगे और भिक्षुओं को पवारणा करेंगे यानी उनको विदा करेंगे, और वो भिक्षु जाएंगे और फिर एजुकेशन चारों तरफ से फैलाएंगे, चारों तरफ उजाला होगा। तो ये भारत में चक्र हर साल में आता है। तो इसका जो पहला नाम है, एक नाम इसका आराधनामना भी है। आराधना का मतलब अर्य धारण, यानी 4 जो सत्य हैं उनको धारण करना, अर्य धारण जिसको आराधना बोलते हैं आज की डेट में, वो भी है। और अकाल बोधन भी इसका हिंदी में है। अकाल का बोधन का मतलब आपको बताया, अकलंग व्याधि। एक इसका जो अब नाम चलता है, जो भारत के अंदर चलता है, वो बड़ा मशहूर नाम है, उसको बोलते हैं दस अरा या दशहरा। जैसे जैसे अभ्रंश होता जाता है वैसे वैसे नाम बढ़ते जाते हैं। दस अरिया, बेसिकली ये नाम बना हुआ है दस अरिया। दस अरिया का मतलब है कि 10 वो बातें जो सत्य होती हैं। अरिया आप जानते हैं, अरिया मार्ग होता है जिसमें 4 सत्य होते हैं, तो 10 अरिया, और एक अरी का मतलब शत्रु भी होता है और एक अरी का मतलब धर्मचक्र भी होता है। तो प्राकृतिक धर्मचक्र चलाने वाली 10 बातें, या 10 बातें जो आपने हरा दी हैं, या 10 बातें जो आप अपनाते हैं, ऐसे करके इसके कई सारे अभ्रंश होते चले गए और इसका नाम दशहरा भी पड़ा। एक दशहरा ऐसा भी लोग बताते हैं, कहते हैं कि जो मौर्यकालीन 10 राजा थे, उनके सिद्धांतों को और उनके राज्य को हराने के बाद दशहरा लोग मनाते हैं खुशी में, उनको हरा के, यहाँ जिन लोगों ने उनको हराया और उनका राज्य हड़पा, उस खुशी में ऐसा मनाते हैं। मगर ये इसलिए थोड़ा संभव प्रीत नहीं होता, क्योंकि राजा अलग अलग काल में रहे हैं, और सबसे आखिर में जो राजा रहे हैं उनका नाम रहा है पुष्यमित्र सुंग और बृहदत्त, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग ने हराया और बृहदत्त हारे, बृहदत्त थे 10वें मौर्य राजा। मगर अचानक कोई पुष्यमित्र नाम का व्यक्ति किसी बृहदत्त राजा के तलवार मार दे और वो मर जाए तो सत्ता नहीं मिल सकती एक आदमी के मन से, क्योंकि जो पब्लिक है वो पूरी बगावत कर देगी, और जो पूरी पब्लिक है और जो सेना है वो पूरे जो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो सारे बगावत कर देंगे, जनता बगावत कर देगी। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक बृहदत्त की हत्या हो गई और पुष्यमित्र राजा बन गया, ऐसा नहीं होता। इसकी तैयारी, जब क्रांति होती है तो प्रतिक्रांति साथ चलती है। जब बुद्ध ने क्रांति की थी तो प्रतिक्रांति साथ चल रही है, और उन लोगों ने जो बुद्ध से परेशान थे, जिनका कारोबार आडम्बरों का हट गया, उन्होंने बुद्ध की फिलॉसफी और बुद्ध के राजाओं को मानने के षड्यंत्र तभी से रचने शुरू कर दिए। उन्होंने धीरे धीरे बुद्ध की जो एजुकेशन थी उसके अंदर भ्रष्टाचार डाले, लोगों के मन में भ्रष्टाचार डालने शुरू किए, लोगों को भ्रष्ट करना शुरू किया, लोग पंचशील के मार्ग से हटते चले गए, लोग 10 पारमिताओं के आडम्बर करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, लोग जो अष्टांगिक मार्ग थे उनका सिर्फ नाम लेते थे, उनको रटना शुरू करते थे, और सारे लोग भ्रष्ट होते चले गए। इसलिए जब बृहदत्त की हत्या हुई तो कहीं भी कहीं कोई चिंगारी नहीं आई, और एक ही रात में जो लोग भेष बदल के चीवर लेके भिक्खु बने थे, उन्होंने भिक्खु फेंक दिए और एक रात में वो भिक्खु वाले लोगों के खिलाफ हो गए। ये इस तरह से क्रांति प्रतिक्रांति आपस में चलती है। तो चीवर जब तैयार होता है और भिक्खु तैयार होते हैं तो दान भी लोग देते हैं, दान देते हैं, यह दान दैनिक परंपरा है। कहते हैं कि राजा हर्षवर्धन गंगा घाट, जिसको हम कम का मेला यानी कुंभ का मेला बोलते हैं, कम का मतलब अच्छे कर्मों का मेला, जहाँ लगता था, जहाँ पारमिता पूरी करके लोग आते थे, वहाँ पे वो अपना सारा दान देके जाते थे, उसको कम का मेला बोलते थे, कुंभ का मेला बोलते थे। और ये कम का कुंभ का मेला हर 12 साल में 6 साल में ऐसे ही आता था, और राजा दान पारमिताओं को पूरा करते थे। एक दान की पारमिता बहुत बड़ी है जो 10 पारमिताओं के अंदर ऐसा आता है। राजा अशोक ने 84,000
जो भगवान बुद्ध की ऐसी बातें थी जो लाभदायक बातें थी, सुत्त जिनको बोलते थे, 2000 उनके शिष्यों के और 82,000 उनके, उन सबकी पत्थर की किताब बनवाई, क्योंकि कागज़ तो था नहीं, गत्ता भी नहीं था, आविष्कार नहीं हुआ, तो लोगों को पढ़ाने के लिए पत्थर की किताबें बनवाई, पत्थर के शिलालेख बनवाए, और 84,000 ईरान से लेके और नेपाल तक पूरे तक और बर्मा तक वो लगवाए। जब वो बन के पूरे हो गए तो राजा ने अनाउंस किया कि आज हम सेम वही दिन दशमी के दिन और उसका उत्सव मनाया। अशोक के समय के बाद में इसका नाम अशोक विजयदशमी पड़ गया, और अशोक का पूरा नाम बहुत ही गजब का है। अशोक का पूरा नाम अशोक धम प्रिय दशमी प्रिय दशी चंड प्रचंड धम चक्रवर्ती सम्राट अशोक होता है, तो उसके नाम से यानी उस राजा के नाम से इसको जाना जाता है। मगर वो राजा पहले राजा नहीं है जिनके नाम से ये जाना जाता है। इससे पहले और इसके बाद में भी विजयदशमी ऐसे ही मनती रही बुद्ध के समय के बाद से और आज तक भी, क्योंकि जितने भी लोग आए और जितने भी लोग गए उन्होंने पूरी विजयदशमी उसी के हिसाब से मनाने का प्रण किया। भारत में जब भरतदत्त की हत्या हुई तो भारत से धम्म चला गया, और धम्म जाते ही भारत की सोने की चिड़िया उड़ गई, भारत की जो शिक्षा थी वो उड़ गई, भारत अनपढ़ हो गया, भारत गरीब हो गया और भारत कमज़ोर हो गया, क्योंकि जो ईरान से लेके और बर्मा तक राज था वो सारा राज धीरे धीरे टुकड़ों में समेट में आ गया। और अशोक के बाद में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ, भरतदत्त के बाद में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो उस राज को बचा सके। सारे राजा जितने भी आए वो निकम्मे राजा आए, उनको राज करना आता ही नहीं था, वो कैपेबल ही नहीं थे, वो उसके लायक ही नहीं थे। सारे निकम्मे और नालायक लोग आए और उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और भारत को हजारों टुकड़ों में मन से तन से और ज़मीन से बांट दिया, और विदेशी लोगों का भारत के अंदर कब्जा हो गया और भारत छिन्न भिन्नसा हो गया। इसलिए धम्म में बड़ी ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी धम्म की ताकत को जानते हुए 13 अक्टूबर 1935 में यवला में धम्म को जानने की और धम्म में आने की घोषणा की थी, और 21 साल तक धम्म का गहरा अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म की दीक्षा दी वो ठीक भगवान बुद्ध के कहे अनुसार, उनकी जो उन्होंने आगे का समय बताया था उसके अनुसार, कि 2500 साल बाद धम्म का चक्र दोबारा चलेगा और भारत दोबारा से बौद्धमय होगा और यहाँ प्रबुद्ध भारत कहलाया जाएगा, ये दोबारा से सोने की चिड़िया होगा। ऐसा करके उन्होंने 1956 में 10 लाख लोगों को नागपुर में दीक्षा दी। जीवन में एक बार एक बहुजन आदमी को कम से कम दसवीं वाले दिन नागपुर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नागपुर हमारी वो भूमि है जहाँ से धम्म का चक्र दोबारा से बाबा साहब ने चलाया, और वहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं। वैसे तो पूरे साल भर आते हैं मगर दसवीं में वहाँ देखने लायक लोग होते हैं, बड़ा उत्साह होता है, वहाँ जाना चाहिए। तो दुनिया में शांति का उपदेश देने के लिए ये धम्मचक्र दोबारा से प्रवर्तन होता है। 62वां धम्मचक्र इस बार है, मगर 62वां धम्मचक्र खाली 62वां नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं। मान्यवर काशीराम जी ने 2003 के अंदर घोषणा की थी कि वो 6 करोड़ लोगों को धम्म की दीक्षा दिलवाएंगे। बीच में असमय उनके स्वास्थ्य खराब हो गया, वो नहीं दिलवा पाए। उनका ये जो प्रॉमिस है ये अभी अधूरा है, ये वायदा अभी अधूरा है, लोगों को ये वायदा पूरा करना है। सब लोग इस काम में लगे हुए हैं, पूरे देश में धम्म का वातावरण बहुत तेज़ से बनना है, और कहते हैं कि अब मान्यवर साहब की याद में 6 करोड़ की नहीं लगभग 20 करोड़ की दीक्षा पहले होगी, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। क्योंकि 20 करोड़ लोग लगभग वो हैं जो अम्बेडकराइट्स हैं और लगभग प्रबुद्ध हो चुके हैं, बेशक वो धम्म में नहीं गए हैं, धम्म के नाम से घोषित नहीं है, मगर वो प्रबुद्ध हो चुके हैं। प्रबुद्ध होना ही इसका मतलब है, खाली धम्म का कोई मोहर लगाना इसका कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी धम्मचक्र प्रवर्तन हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो मूर्ति मिली है उसमें चीवर पहने हुए लोग हैं। भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था लगभग 2600-2500 साल के बीच में, सम्राट अशोक ने किया, सिंधु घाटी में हुआ, और राखीगढ़ में लगभग 7000-8000 साल पहले भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका DNA के हिसाब से वो पाए जाते हैं। इस तरह से भारत में और पहले भी अगर जाएंगे तो 28 बौद्धों का भी इतिहास हो सकता है, मगर हम उसमें नहीं जाते क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जितना आप जाने उतना आप माने, क्योंकि राखीगढ़ तक का तो DNA आ चुका है और राखीगढ़ तक ये बात तय हो चुकी है कि भारत के लोग जो प्रबुद्ध थे वही लोगों का DNA है उसमें। और एक धम्मचक्र आने वाला है परसों, उसकी पूरे देश को बधाई है, और ये बहुत लोगों का पहला धम्मचक्र भी हो सकता है। धन्यवाद।